जम्मू कश्मीर में 22 से 26 दिसंबर तक रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो बाधित रहने वाली है, यानी कि कुछ रूट्स ऐसे रहेंगे जहां पर रेलगाड़ियां जो है वो रद्द कर दी गई हैं, वहीं पर कुछ रूट जो है ऐसे रहेंगे जिनके रूट्स जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। तो उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि सबसे पहले क्या कारण है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है ट्रेन सर्विसेज जो है वो बाधित रहने वाली हैं। तो इसमें अम्बाला लुधियाना रेल सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम जो है ये शुरू करवाया जा रहा है, जिसके तहत 22 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच जो है यहाँ पर ये जो ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट जो है एक तरह से डिस्ट्रप्टेड रहने वाली है। इसी के साथ साथ जो आदेश निकाले गए हैं उसमें ये बताया गया है कि 23 से 24 दिसंबर को जम्मू मेल जो है वो रद्द रहेगी। इसी तरह से 24 और 26 दिसंबर को जम्मू से रवाना होने वाली मौर्य ध्वज को भी रद्द किया जा रहा है। जो लोग भी ट्रैवल करने की सोच रहे हैं उनके लिए ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि 22 से 26 दिसंबर तक जो है जिस तरह से यहाँ पर रेल ट्रांसपोर्ट जो है उसमें एक तरह से दिक्कत आ सकती है। आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन सी ट्रेन सर्विसेज जो हैं वो यहाँ पर बंद रहने वाली हैं और किन किन ट्रेन के रूट्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। वहीं पर रेलवे ट्रैक में होने वाले जिस तरह से ये नॉन इंटरलॉकिंग का काम यहाँ पर करवाया जा रहा है, तो 23 दिसंबर को दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा आने वाली उत्तर संपर्क क्रांति को चंडीगढ़ साहनेवाल रूट से जो है यहाँ भेजा जाएगा। इसी के साथ साथ 22 और 23 दिसंबर को श्री माता वैष्णो देवी कटरा आने वाली मालवा एक्सप्रेस को भी चंडीगढ़ साहनेवाल से रवाना किया जाएगा। वहीं पर जम्मू से रवाना होने वाली बेगमपुरा एक्सप्रेस को 23 और 24 दिसंबर को चंडीगढ़ से दुबराजपुर से राजपुरा रेलवे स्टेशन के रास्ते जो है वो भेजा जाएगा। और इसी के साथ साथ उधमपुर से दिल्ली के सराय रोहिला जाने वाली रेलगाड़ी को चंडीगढ़ से साहनेवाल होते हुए 23 दिसंबर को रवाना किया जाएगा। वहीं पर जम्मू से तिरुपति जाने वाली रेलगाड़ी को साहनेवाल चंडीगढ़ से भेजा जाएगा और जम्मू से हावड़ा जाने वाली रेलगाड़ी को भी 24 दिसंबर को नए वाले चंडीगढ़ के रास्ते से जो है वो भेजा जाएगा। 23 और 24 को कटरा से डॉक्टर अंबेडकर नगर जाने वाली मालवा एक्सप्रेस को दुबराजपुर से राजपुरा रेलवे स्टेशन से ये गाड़ी जो है ये रवाना होगी और 24 दिसंबर को जम्मू से अजमेर जाने वाली रेलगाड़ी को चंडीगढ़ साहनेवाल के रास्ते भेजा जाएगा और दिल्ली से जम्मू आने वाली राजधानी एक्सप्रेस को 24 दिसंबर को दुबराजपुर से जाखल से रवाना किया जाएगा और नई दिल्ली से जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाली श्री शक्ति एक्सप्रेस 24 दिसंबर को चंडीगढ़ से साहनेवाल के रास्ते जाएगी। तो ये पूरा डाटा जो है ये आपके साथ शेयर कर दिया गया है कि 22 से 26 दिसंबर तक जिस तरह से रेल ट्रांसपोर्ट जो है वो बाधित रहने वाली है, किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, तो कौन कौन सी ट्रेन जो है वो रद्द की गई है और कौन कौन सी ट्रेन के जो रूट हैं वो बदले गए हैं उसकी भी जानकारी आपको दी गई है। और यहाँ पर अहमद एजाज हमें पूछ रहे हैं कि क्या कारण है जो ये पूरा जो ट्रेन का ये जो पूरे रूट्स हैं इसे चेंज किया जा रहा है या फिर कुछ रेलगाड़ियां रद्द की जा रही हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दूं कि अंबाला लुधियाना रेल सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग का काम जो है वो किया जा रहा है, जिसके तहत ये कदम जो है उठाया गया है, जिसमें कुछ ट्रेन्स की टाइमिंग्स को जो है वो चेंज किया गया है और कुछ ट्रेन्स के रूट्स को भी जो है यहाँ पर चेंज किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। आप भी ये ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें ताकि 22 से 26 दिसंबर के बीच अगर कोई भी जो है जम्मू कश्मीर से ट्रेन के जरिए जो है ट्रैवल करने की सोच रहे हैं उन तक ये खबर जो है ज़रूर पहुँच सके और उन्हें जो है ट्रैवलिंग के वक्त किसी तरह की परेशानी जो है वो ना आए। चलिए अभी के इस अपडेट में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।